आप हिंदी पढ़ लेती बहुत अच्छे से? किसी को यहाँ विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? ठीक है, पढ़िए। अब वैसे पूछने में, घर का विघटन दूर होगा पितृ दोष के कारण, भाई को शून्यपन बना हुआ है, कृष्णा नाम है, चल नहीं पाता, नसें टेढ़ी हैं, ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें, झटका भी नहीं लगेंगे। ये पढ़िए, माइक से बोलिए, यही विषय लेकर आए। और समय लगेगा, इसको झटका भी बनते हैं, नसें टेढ़ी हो गई हैं, डॉक्टर ने कहा लाइलाज है, कोई इसकी दवा नहीं है, डॉक्टरी सलाह थेरेपी आप ले सकते हैं, मंत्र चिकित्सा की विधान हम धाम से प्रारंभ करेंगे, समय जरूर लगेगा। और जो एक व्यक्ति ने कम आयु बताई है ये भी मूर्खता है, जाओ बालाजी कृपा करेंगे। एक मिनट, गांठ बनी माँ को भी, हाँ। माइक लो, हाँ। माँ को गांठ बनी है, हाँ। माँ को पूरे शरीर में दिक्कत है, हाँ। उस पर भी लाभ होगा, हाँ। धाम की नियम शुरू कर दें, और आज ही हम ये सामने भाई को वहां करिए, हाँ, पहले आप अर्जी, हाँ, एक यहाँ करो, बस बहन मुट्ठी बंधवाइए, आप अपनी बांध लीजिए बहन, शरीर में इसके सामर्थ्यता बढ़ाई जाए, और तेज प्रभाव किया जाए, और तेज प्रभाव किया जाए, सेनापति पैरों में बढ़ाई जाए, पैरों में सामर्थ्यता बढ़ाई जाए। बहन जरा तुम पीछे बैठो, और प्रभाव किया जाए, अब तुम शरीर में हाथ फेरो बहन, इनके पैर के अंगूठा तक फेरो, पैर के अंगूठा तक फेरो, माँ को भी गांठ बनी, शरीर में दिक्कत बनी, माँ भी आपकी बीमार है, और घर पर कलेश भी बहुत मचा है, ये दो आपके अन्य प्रश्न हैं, बाकी इन प्रश्नों को भी जोड़कर हमने मंत्र लिखा, तीन माला, धाम की पेशी, और जाओ आज से ही इसको लाभ होना प्रारंभ होगा, समय बहुत लगेगा बालाजी की प्रेरणा अनुसार, लेकिन ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। नेक्स्ट, आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई, पर्चा एकदम ठीक, कोई बात गलत, खुश रहो। नेक्स्ट भेज दीजिए, हमारा मजाकीय स्वभाव है, बुरा मत मानना, क्योंकि हम भी एक बार टकला थी, हम तुम पर क्या हंसेंगे, हमारा स्वभाव है ऐसा, हम बहुत मनमौजी आदमी हैं, साधु जी। अच्छा, लोग हमसे कहते हैं, हम तुम लोगों को बताएं, लोग हमसे कहने लगते गुरु जी आप गंभीर हो जाओ, आप बताओ हम गंभीर हो जाएं, ऐसे ही ठीक है जैसे हैं, आओ हम जैसे हैं तुम्हारे हैं, बस तुम लोग जानो हम जैसे भी हैं तुम्हारे, हमें झूठ और छल कपट नहीं आता है, अब लोग बनावटी चेहरा बनाते हैं हमें वो, और जैसे कई लोग ऐसे होते हमसे ये नहीं बनता है, हम तो जो हैं सो हैं। सीताराम, माइक लीजिए, कहाँ से हैं? उल्लासनगर, यहीं से? पढ़े लिखे तो हो? हाँ, ठीक। साधु जी, हमने लिख लिया जो हमें आज्ञा लगी, आप प्रश्न करो। मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम नजदीक आ जाओ थोड़ा सा, क्यों नहीं लगता? ठीक है, ऐसा कह दें कि मोबाइल ज्यादा चलाती हो, माइक उठा लो, हाँ हाँ, हाँ? और पूछो,
ठीक है, आपके साथ में कोई है? कौन कौन है? चाचा हो चाची, ठीक है, हमने ऐसा लिखा। आप उन्नति करेंगे, अभी मनोचाटत है, परिवार में कलेश बना हुआ है, बहुत लड़ाई मची हुई है, उठा पटक बहुत मची हुई है, कलेश की प्रमुख अर्जी है। दूसरी अर्जी मनोचाटत है, मोबाइल का प्रयोग ज्यादा करते हैं जिससे सिर का दर्द प्रारंभ हो गया है, बराबर है? परिवार वाले भी इसी बात पर तुम्हें डांटते हैं, तुम नहीं मानते हो। कुछ आदतें हैं जो तुमसे छूट नहीं रही, उन आदतों को हम माइक से नहीं बोलेंगे, लिखकर पढ़वा देते हैं। आपको चलना है, हम केवल मंत्र चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन हमें जो आपके भावों को देख करके लग रहा है कि आप 6 से 7 महीने में फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई पर फोकस करने लगेंगे, ये आशीर्वाद है। घर में बहुत उठापटक मचती है। हाँ। अच्छा, पहले कहीं और रहते थे? नहीं है। अच्छा, 2 निवास है, कुल देवता कहीं और आ रहे हैं आपके? चाचू को पता होगा। साधु जी, सीताराम, बाद में बुला लेना, हम तुमको पूरा लिख के दे देते हैं। एक तो तुम्हारे घर में ये 2 चीजें हम तुम्हारे घर से हटवाएंगे, बुरा मत मानना, हम बोलेंगे नहीं, ये तुम्हारी कमी है, ये तुम बहुत करते हो, ठीक है, इसको तुम्हें बंद करना है। ये तुम्हें भी पता है कमी अपनी, लेकिन हम बता रहे हैं ये तुम्हारी कमी है, इसको बंद करना। ये तुम्हारे पर फूटा हुआ, ये इनका चित्र रखा है, हम नाम नहीं लेंगे इनका, जल्दी में लिखे हैं, अरे यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं है, अब इतने से ही समझ जाओ। जाओ अपने घर पर एक लाल झंडी लगाओ, धाम की तुम पेशी प्रारंभ करो, पढ़ने में मन लगेगा, आशीर्वाद है।